नमस्कार, द बिहार टीचर सिस्टम मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर मैं अर्चना आर्यानी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। आइए हमेशा की तरह क्लास की शुरुआत एक सुविचार से करते हैं। तो आज का सुविचार है, सफलता हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में मिलती है। अर्थात हम जब मेहनत करेंगे तभी हमें सफलता हासिल होगी। तो आइए हम अपनी शिक्षा में सफलता पाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और अपनी क्लास की ओर अग्रसर होते हैं। पिछले वीडियोस में हमने नियंत्रण और समन्वय चैप्टर से कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा की थी। आइए उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और अगले प्रश्न पर जाते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण और समन्वय से क्या समझते हैं। जंतुओं में दो प्रकार के नियंत्रण और समन्वय होते हैं, तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होते हैं, और रासायनिक नियंत्रण और समन्वय जो होता है वह रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है। ये रासायनिक पदार्थ हार्मोन कहलाते हैं और ये जंतुओं के शरीर में उपस्थित कुछ ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और ये ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। तो जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण और समन्वय की जो क्रिया होती है वह हार्मोनों के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन क्या है। जंतुओं के शरीर में कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। इन ग्रंथियों से रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है। ये रासायनिक पदार्थ हार्मोन कहलाते हैं। इनका स्राव बहुत कम मात्रा में होता है लेकिन इनकी कम मात्रा ही अपने कार्य में प्रभावशाली होती है और अपने नियंत्रण और समन्वय के कार्य को कंप्लीट करती हैं, पूरा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या समझते हैं। जंतुओं में विशेषकर मनुष्यों में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो नलिका विहीन होती हैं, डक्टलेस ग्रंथि होती है। इनका स्राव सीधे रक्त में होता है। ये ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं और इनके स्राव को हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय तथा रासायनिक नियंत्रण और समन्वय में क्या अंतर है। तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है जिसमें मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिका कोशिकाएं भाग लेती हैं। रासायनिक नियंत्रण और समन्वय रासायनिक पदार्थों अर्थात हार्मोन के द्वारा होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। इनका सिक्रेशन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय की जो क्रिया होती है काफी तेजी से होती है, क्विक होती है और इनका प्रभाव कम समय तक ही रहता है। लेकिन रासायनिक नियंत्रण और समन्वय की जो क्रिया होती है वह धीरे धीरे होती है लेकिन इसका प्रभाव काफी देर तक का बना रहता है। अब अगला क्वेश्चन है, जाइगेंटिज्म क्या है। पिट्यूटरी के अग्रपिंडक के द्वारा एक हार्मोन का स्राव होता है जिसको वृद्धि हार्मोन कहते हैं। जब इस वृद्धि हार्मोन का स्राव हमारे शरीर में अधिक मात्रा में होता है तो उस कंडीशन में हमारा हमारे शरीर का जो ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है, काफी अधिक हो जाती है और हमारा शरीर सामान्य से या औसत से काफी ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है। इसी स्थिति को जाइगेंटिज्म या बृहतता कहते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्वार्फिज्म क्या है? ड्वार्फिज्म का अर्थ है बौनापन। तो पिट्यूटरी के अग्रपिंडक के द्वारा जब वृद्धि हार्मोन का स्राव कम मात्रा में होता है, या अर्थात वृद्धि हार्मोन की जो मात्रा होती है वह उसमें कमी हो जाती है, तब हमारा शरीर सामान्य से या औसत से छोटा हो जाता है, हमारी लंबाई चौड़ाई शरीर की कम हो जाती है। इसी स्थिति को ड्वार्फिज्म या बौनापन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? तो मनुष्य में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम इस प्रकार हैं। पहला है पिट्यूटरी, दूसरा थायराइड, तीसरा पाराथायराइड, चौथा एड्रिनल, पांचवा जनन ग्रंथियां। इनके अलावा एक छोटी सी ग्रंथि भी पाई जाती है जिनको पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।